हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी बायर को वो कौन सी चार चीजें हैं जो प्रॉपर्टी प्लान करते समय अपने एंड पर समझनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि सबसे पहले ज्यादातर लोग पहले प्रॉपर्टी पसंद करते हैं, देन उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि वो लोकेशन ही उनको सूट नहीं करती है या फिर बजट उनके हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, जिससे क्या होता है अननेसेसरी उनका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होता है और सम टाइम मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल है वो भी उनके हाथ से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है पर्पस। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एंड पे ये स्पेसिफिक कर लेना बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी आप किस पर्पस से ले रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर दो सेगमेंट्स होते हैं, एक आपका जो है वो है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है आपका एंड यूज। दैट मीन्स कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें कल को आप अपना कोई ऑफिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप वो रेजिडेंशियल पर्पस से यूज करना चाह रहे हैं। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में इन दोनों पर्पस को फुलफिल करने के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट करते समय हमारा मेन फोकस होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बेसिकली अंडरडेवलप्ड लोकेशंस को ही रीच आउट करना चाहिए, उन्हीं को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जो डेवलप्ड लोकेशंस होती है वहां पे जो रेट्स होते हैं प्रॉपर्टीज के वो ऑलरेडी हायर साइड पे होते हैं, जिससे कि कैपिटल एप्लीकेशन की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं और हमें रिटर्न्स नहीं मिल पाते। वहीं जब हम एंड यूज प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमें कुछ डेवलप लोकेशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि उस समय हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को तलाश कर रहे होते हैं जहां इन फ्यूचर हम खुद के रहने के पर्पस से या अपने ऑफिस के पर्पस से उसे यूज कर सके, जिसके लिए हमें बेसिकली सराउंडिंग, कनेक्टिविटी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। अगर मैं आसान शब्दों में बात करूं तो वहां पे स्कूल, मेट्रो, रोड कनेक्टिविटी, लोकल मार्केट, हॉस्पिटल, इन चीजों की क्या अवेलेबिलिटी है, ये हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। प्रॉब्लम ये देखने में आती है बेसिकली कि बायर एक ऐसी प्रॉपर्टी सर्च करता है जिसमें वो चाहता है कि दोनों ही पर्पस सॉर्ट आउट हो जाए, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि मार्केट में इन दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं। जब आप ये प्रॉपर्स मिक्सअप कर देते हो, एक ही प्रॉपर्टी सर्च आउट करते हो, तो इसमें क्या होता है, ना तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली फुलफिल हो पाती है और ना ही उसमें आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल पाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें द्वारका, जिसे सभी लोग अच्छी तरीके से नॉन है, अगर आप द्वारका को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो ये इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो एक अप्रिशिएशन का हाईली अप्रिशिएट हो चुके हैं, पीक पे पहुंच चुके हैं, वहां पे आपको कैपिटल अप्रिशिएशन मिलने की एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट टू नील वाली बात है, या अगर आएगा भी तो काफी लॉन्ग टाइम में आएगा। लेकिन अगर हम इसी जगह को एंड यूज पर्पज से देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एंड यूज पर्पज से हर एक चीज, जो बेसिक नेसेसिटीज है, रोड की बात कर लीजिए आप स्कूल की बात कर लीजिए, आप यहाँ पे बिजली, पानी, इन सब चीज़ों की सप्लाई की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, आप इंस्टीट्यूट्स की बात कर लीजिए, तो ये सारी चीज़ें, मेट्रो वगैरह सब कुछ यहाँ पे वॉक इन डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो ये एक एंड यूज पर्पस से अच्छा ऑप्शन है, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो दोस्तों, इन शॉर्ट आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका प्रॉपर्टी जो आप प्लान कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट या एंड यूज। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट, जो है अपना बजट। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है बजट। जब आप किसी प्रॉपर्टी को बाय करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि उसके लिए आपका टोटल बजट क्या है। वो आपका 50 लाख भी हो सकता है, 80 लाख भी हो सकता है और 1 करोड़ भी हो सकता है। दूसरी चीज जो आपके बजट को इम्पैक्ट करती है वो है आपके एडिशनल एक्सपेंसेस, या जिसे हम हिडन चार्जेस भी कहते हैं, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 20% तक की एडिशनल फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसे आप सम टाइम स्किप कर जाते हैं और बाद से कि EDC, IDC, GST, रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी, PLC, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, इन सब चीज़ों के लिए आपको ये 20% की फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट जो आपको डिजिटल मीडिया और न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है उसमें आपको बिल्डर जो है वो सिर्फ DSP वैल्यू को दिखाकर ही अट्रैक्ट करता है, उसमें आपके कोई भी एडिशनल चार्जेस इंक्लूड नहीं। गाइस, इन शॉर्ट, अगर आपका बजट 1 करोड़ रुपए है तो आप मार्केट में 80 से 85 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ही एक्सप्लोर करें, क्योंकि जो एडिशनल 20% की रिक्वायरमेंट है वो तो आपको रहेगी ही रहेगी।
तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट आता है फंड फ्लो का। बजट डिसाइड करने के बाद आपको ये भी मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आपका फंड फ्लो कैसा रहेगा। आप उस प्रॉपर्टी को सेल्फ फंडिंग से प्लान कर रहे हैं या फिर आप उसे लोन के थ्रू प्लान कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ फंडिंग से प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सारा फंड आपके अकाउंट में हो। बट अगर आप उसे लोन से प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आपको लोन कितने अमाउंट के लिए चाहिए, दूसरा लोन का ड्यूरेशन कितना रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जितना आप लोन को एक्सटेंडेड करते जाएंगे उतना ही वो प्रॉपर्टी आपको महंगी पड़ती जाएगी। तीसरा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए भी आपको फंड रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके रेगुलर एक्सपेंसेस कभी भी कम नहीं होते। चौथा, आपको उस समय करंट सिनेरियो में लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। जस्ट यू कि आप बैंक से एक प्री अप्रूवल सेंशन भी ले ले, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर हो। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बैंक की तरफ से लोन लेट डिसबर्समेंट होने की वजह से बायर को अननेसेसरी पेनल्टी चार्जेस जो है फेस करनी पड़ती है, और कभी कभी लोन के रिजेक्शन के केसेस में उसे कैंसिलेशन फीसेस भी बेयर करनी पड़ती है। तो इन शॉर्ट, अगर आप प्रॉपर्टी को लोन से प्लान कर रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है लोकेशन। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस एरिया में प्रॉपर्टी सर्च करनी है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बताए गए पहले तीन पॉइंट्स को, पर्पस, बजट और फंड फ्लो, अगर इन्हें आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर्टी सर्च। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव के अंदर आपका SPR रोड, न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे, ये तीनों लोकेशन अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है, जहां इन फ्यूचर आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी और कैपिटल अप्रिसिएशन भी इन फ्यूचर बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम डेवलप लोकेशन की बात करते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड और हुड्डा सिटी सेंटर के आसपास का एरिया वो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, वो आपके एंड यूजर पर्पस से काफी अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।